हाँ मैं तुमसे बाद में बात। कैसे हो? इतना हाल बताने के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको यहाँ। बात जरूरी ना होती तो आपको यहाँ आने की जहमत ना देती। सवेरा के बारे में बात करना चाह रही थी। क्या बात? नाराज है वो हम सबसे। मुझे डर है कि वो इसी नाराजगी में कोई ऐसा कदम ना उठा ले जो आपके खानदान की इज्जत और वकार पर सवाल उठा सके। देखो नया, जो भी तुम बात करोगी मुझसे सोच समझ के करना कि तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रही हो। हैरत अंगेज लगते हैं कुछ अल्फाज आपके मुंह से, और चाहे बेटी हो, बहन हो या बीवी, उसके किरदार के बारे में सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। सवेरा आमिर के पास वापस लौट कर जाना चाहती है और शाजर से अलग होना चाहती है। ऐसा कुछ भी नहीं, वो भूल चुकी है आमिर को। वो नफरत करती है वो आमिर से। करती थी, अब नहीं करती। इस हद तक कि वो शाजर से डाइवोर्स लेने का फैसला कर चुकी है। मैं तो पूछूं, किस तरह की बातें कर रही हो? मेरी बहन के बारे में तुम मुझे बता रही हो? मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो किसी के बहकावे में नहीं आएगी। इस तरह किसी ने नहीं बहकाया उसको, वो सिर्फ सच जान चुकी है। वो इस चीज से वाकिफ हो चुकी है कि आमिर का कोई कसूर नहीं था। उस पर लगाया एक एक इल्जाम बेबुनियाद था। पछतावा है उसे अपनी गलती का, और वो अपनी गलती को दुरुस्त करना चाहती है। ये भी कहकर गई है कि उसे और आमिर को एक करने से कोई नहीं रोक सकता। शाजीर और सवेरा का रिश्ता एक आप ही है जो बचा सकते हैं। कोशिश की मैंने उसको कि मैं उसको समझाऊं, लेकिन वो कुछ समझना नहीं चाह रही। जब उसका भाई मेरे पे यकीन नहीं करता तो वो क्या करेगी? खैर, आपको ये बात बताना इसलिए जरूरी थी कि आप उसके भाई हैं, उसके लिए बेहतर फैसला ले सकते हैं। ना बताती तो मेरे दिल पे बोझ रहता।